मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के सरकारी मुलाजमीन को निशाना बनाने वाली चीनी भर्ती मुहिम का इंकशाफ। कैनेडियन खुफिया एजेंसी का कहना है कि चीनी मुहिम मिल्कियती और हसास मालूमात के नुकसान का बाइस बन सकते हैं। मुहिम में कैनेडियन सरकारी अहलकारों को भर्ती किया जा रहा है। कनाडा में मॉर्गेज की अदायगियों का मसला। वजीर खजाना तवक्को करती हैं कि बैंक कैनेडियन शहरियों के साथ काम करेंगे। 3 मिलियन से जायद कैनेडियन मॉर्गेज की तजदीद का सामना कर रहे हैं। कनाडा में सिख अदाकार के घर के बाहर फायरिंग का वाकया। भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। बिश्नोई ने दावा किया कि इस हमले की मनसूबाबंदी उसने की है। इसराइल और हमास जंगबंदी का आखिरी रोज तौसी के लिए मुज़ाकरात। बाइडन पर उम्मीद। कतर, मिस्र और अमरीका जंगबंदी में तौसी के लिए दबाव डाल रहा है। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि जंगबंदी के बाद दोबारा मुहिम शुरू कर देंगे। हमास इसराइल जंग के बाद नफरत की बुनियाद पर अमरीका में एंटी इस्लामिक वाकयात में इजाफा। अमरीका में मुसलह शख्स की फायरिंग से 3 फलस्तीनी तालबे इल्म शदीद जख्मी। तालबे इल्मों को गोलियों का निशाना बनाने के बाद हमलावर फरार हो गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा की खुफिया एजेंसी कनाडा के सरकारी अहलकारों और माहिरीन तालीम को भर्ती करने के चीनी साजिश के बारे में खबरदार कर रही है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की खुफिया एजेंसी कनाडा के सरकारी अहलकारों और माहिरीन तालीम को भर्ती करने की चीनी साजिश के बारे में खबरदार कर रही है। कैनेडियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस माह के शुरू में वफाकी मुलाजमीन को भेजे गए एक अलर्ट में कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने एक बड़े पैमाने पर ईमेल मुहिम के बारे में मुतनब्बा किया है, जो कारकुनों को बैरून मुल्क टैलेंट प्रोग्राम में रागब करने की कोशिश कर रहा है। अलर्ट में कहा गया है कि अवामी जमहूरिया चीन मुमकिन तौर पर इस भर्ती मुहिम को कनाडा के इल्म और महारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस किस्म के टैलेंट की भर्ती और टेक्नोलॉजी की मुंतकली के इकदाम के नतीजे में हुकूमत कनाडा के वसायल के गलत इस्तेमाल और मिल्कियती और हसास मालूमात के नुकसान हो सकते हैं। अलर्ट में भर्ती की ईमेल की एक तस्वीर शामिल है, जिसमें मौजूद 2024 चीन में ग्लोबल एक्सीलेंट साइंटिस्ट फंड के लिए दरख्वास्त देने के लिए बैरून मुल्क सलाहियतों के लिए दावतनामा की सतर का इस्तेमाल किया गया। CSIS ने कहा कि ईमेल में अहम जाती मालूमात तलब की गई हैं और $95,000 से $374,000 तक की तनख्वाहों का वादा किया गया है। सिक्योरिटी अलर्ट में कहा गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जासूसी और गैर मुल्की मदाखलत की सरगर्मियों की हिमायत के लिए ऐसे इकदामात का फायदा उठाती है। CSIS ने कहा, इन पॉलिसी और मंसूबों का मकसद कनाडा के तहकीक और जिद्दत तराजी के शोबे की मुश्तरका शफाफ और खुली नौयत का फायदा उठाना है, ताकि PRC के इक्तिसादी, सिक्योरिटी और फौजी मफादात को पूरा किया जा सके। CSIS ने कहा कि 200 से ज्यादा चीनी टैलेंट भर्ती प्रोग्राम है, जिन पर बीजिंग गैर मामूली सतह पर कंट्रोल का इस्तेमाल करता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बीजिंग के टैलेंट प्रोग्राम चीन में बाहर का इल्म लाते हैं और बाज़ औक़ात इसका मतलब तजारती रास चुराना, बरामदी कंट्रोल के कवानीन को तोड़ना या ऐसा करने के लिए मफादात के तसादुम की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करना है। कनाडा की वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड को तवक्को है कि बैंक कनाडा के मकान मालकान के तहफ़ के लिए बनाए गए कवानीन और रहनुमा खतूत की एक नई सीरीज पर अमल करेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
कनाडा की वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड को तवक्को है कि बैंक कनाडा के मकान मालकान के तहफ्फुज़ के लिए बनाए गए कवानीन और रहनुमा खतूत की एक नई सीरीज़ पर अमल करेंगे, जिनमें से लाखों अफराद मुमकिन तौर पर ज्यादा शर्हों पर कर्जों पर दोबारा मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। फ्रीलैंड ने एक इंटरव्यू में कहा, जो चीज़ मैं अभी सबसे ज्यादा सुन रही हूँ वो ये है कि लोग शरह सूद के बारे में फिक्रमंद हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास रहन है और वो अपने रहन की तजदीद के बारे में फिक्रमंद हैं। उनका कहना था कि और मुझे लगता है कि ये बहुत काबिल फहम है, उसने CBC की चीफ सियासी नामा निगार रोज मैरी बार्टन को बताया। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अगले 18 महीनों में 3 मिलियन से ज्यादा कैनेडियन रहन की तजदीद का सामना कर रहे हैं। बहुत से लोग इसके नतीजे में नुमाया तौर पर ज्यादा माहाना अदायगियों की तवक्को कर सकते हैं। इससे घर के मालिकान में इस तरह पाया जाता है, जिनमें से कुछ ने कहा कि वो ज्यादा कीमत को एडजस्ट करने के लिए तर्ज जिंदगी में अहम तब्दीलियां करने की तवक्को रखते हैं। वो तवक्को करते हैं कि अगले साल जब उसकी तजदीद होगी तो उसके रहन की अदायगियों में 30-40% इजाफा होगा। मंगल को जारी होने वाले मौसम खजा के मौशी बयान के एक हिस्से के तौर पर फ्रीलैंड ने कैनेडियन मार्गेज चार्टर मुतारिफ कराया, जो कि रहन के सिलसिले में हुकूमत ने बैंकों के लिए रहनुमाई और तवक्कात का एक गैर पाबंद सेट मुकर्रर किया है। चार्टर जिसमें कानून की ताकत नहीं है में ऐसे इकदामात शामिल हैं जिनमें आर्जी तौर पर माफी की मुद्दत बढ़ाने की सलाहियत, तजदीद के वक्त कर्ज दहिंदगान को तब्दील करते वक्त तनाव का इम्तिहान खत्म करना और कुछ फीसों को माफ करना शामिल है। फ्रीलैंड जो नायब वजीर आजम भी हैं ने कहा कि उनकी दूसरी तवज्जो मईशत की हालत में वसी तर बेहतरी पर है, जैसे कि बैंक ऑफ कैनेडा तजदीद महंगाई के खौफ के बगैर शरहें कम करने में आसानी महसूस करें। कनाडा में अफराते ज़र जून 2022 में 8.1% की बुलंद तरीन सतह से गिर कर गुज़िश्ता माह 3.1% पर आ गया है। मशहूर पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के इल्जाम में भारत में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में एक और मशहूर पंजाबी गुलकार गप्पी गरेवाल के घर पर फायरिंग करवा दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मशहूर पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के इल्जाम में भारत में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में एक और मशहूर पंजाबी गुलकार गप्पी गरेवाल के घर पर फायरिंग करवा दी। मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक कनाडा के शहर वैनकोवर के इलाके व्हाइट रॉक में गुज़िश्ता रोज हफ्ते को गोलियों की तड़तड़ाहट ने हलचल मचा दी। मालूम हुआ कि पंजाबी गुलकार गप्पी गरेवाल के घर को फायरिंग का निशाना बनाया गया। फायरिंग के वाकये के बाद बदनाम जमाना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपने इस मुजरिमाना फेल की जिम्मेदारी कबूल की। बिश्नोई ने दावा किया कि इस हमले की मनसूबाबंदी उसने की है। लॉरेंस बिश्नोई ने मजीद लिखा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सिद्धू मूसेवाला की मौत पर तुमने जो बढ़ चढ़ कर रद्द अमल दिया था वो हमारी नजर में रहा। हम उसके किरदार और उसके मुजरिमाना रवाबित से बखूबी वाकिफ हैं। गैंगस्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सलमान खान से तुम्हारे करीबी ताल्लुकात भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। ये तुम्हारे भाई के लिए तुम्हारे दिफा में कदम उठाने का वक्त है। ये पैगाम सलमान खान के लिए भी है और ये सोचकर बेवकूफ ना बनना कि दाऊद इब्राहिम तुम्हें हमारी पहुंच से बचा सकता है। वाजह रहे कि लॉरेंस बिश्नोई को कई मुजरिमाना मुकदमात का सामना है, जिनमें भत्ताखोरी और कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 700 मुसल्ला अफराद के साथ उसका रब्ता है। इजराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा जंग बंदी का आज आखिरी रोज है। हमास ने मजीद यरगमालियों की रिहाई के बाद झड़पों में वक्फे में तौसी के लिए रजामंदी का इजहार किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा जंग बंदी का आज आखिरी रोज है। हमास ने मजीद यरगमालियों की रिहाई के बाद झड़पों में वक्फे में तौसी के लिए रजामंदी का इजहार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 नवंबर से शुरू होने वाली जंग बंदी के नतीजे में दर्जनों यरगमालियों को रिहा किया जा चुका है, जिसके बदले में इसराइल ने 100 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब ये देखा जाएगा कि क्या कल मंगल की सुबह इस 4 रोजा जंग बंदी के अख्तिताम से पहले इसमें मजीद तौसी की जाएगी या नहीं। जराए ने बताया कि हमास ने सालसों को मुतला किया है कि वो इस जंग बंदी को 2 से 4 रोज तक आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कतर, मिस्र और अमेरिका जंग बंदी में तौसी के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ताहाल ये वाज़े नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं। हमास के करीबी ज़राए ने बताया कि हमास का ख्याल है कि फ़िल वक्त 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई की यकीन दहानी मुमकिन है। जंग बंदी के माहदे के तहत हमास के ज़ेर हिरासत 50 यरगमालियों को 150 फलस्तीनी कैदियों के बदले 4 रोज में रिहा किया जाना था। अगर हर इजाफी दिन कम अज़ कम 10 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाए तो इसमें तौसी हो सकती है। इस हवाले से अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि कैदियों के तबादले के लिए लड़ाई में वक्फा जारी रहने की उम्मीद है।
जबकि फ्रांसीसी वजीर खारजा ने भी जंग बंदी में तौसी की हिमायत की है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंग बंदी उस वक्त तक जारी रह सकती है जब तक यरगमालियों को रिहा किया जा रहा है। अलावा अजी इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमरीकी सदर को बता दिया है कि आर्जी जंग बंदी खत्म होने के बाद इसराइल पूरी ताकत के साथ गजा में मुहिम दोबारा शुरू करेगा। अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा कि जंग बंदी में तौसी का खैर मकदम करेंगे। वाजह रहे कि गुज़िश्ता रोज हमास ने जंग बंदी के तीसरे रोज 13 इसराइलियों और 4 गैर मुल्की बाशिंदों को रिहा किया। गैर मुल्की बाशिंदों में 3 थाई शहरी जबकि 1 रूसी शामिल है, जिसके जवाब में इसराइल की जानिब से भी 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। मुहायदे के तहत इमदादी सामान के ईंधन और गैस के 4 ट्रक समेत 120 इमदादी ट्रक भी गजा में दाखिल हो गए हैं। अमरीका की रियासत वर्मोंट में मुसलह इंतहा पसंद शख्स ने 3 फलस्तीनी तालिब इल्मों को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका की रियासत वर्मोंट में मुसलह इंतहा पसंद शख्स ने 3 फलस्तीनी तालिब इल्मों को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया है। अमरीकी पुलिस हुक्काम का कहना है कि 2 तालिब इल्म अपने तीसरे दोस्त के घर थैंक्स गिविंग की छुट्टी मनाने के लिए आए हुए थे। तालिब इल्मों को गोलियों का निशाना बनाने के बाद हमला आवर फरार हो गया। फलस्तीनियों की शना रोहिट्स आयरलैंड के ब्राउन यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बशाम और तानी पेंसिल्वेनिया के हियरफोर्ड कॉलेज के तालिब इल्म कनान अब्दुल हामिद और कैंटिकट के ट्रिनिटी कॉलेज के तालिब इल्म तहसीन अहमद के तौर पर हुई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया बर्लिंगटन में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट के करीब गली में पेश आया, जहां एक मुसलह शख्स ने मुबैना तौर पर नफरत अंगेजी की बुनियाद पर 3 फलस्तीनी तालिब इल्मों पर फायर खोल दिए, जिसके नतीजे में 3 तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मजीद कहा कि 3 तालिब इल्म मकबूजा फलस्तीन में मगरबी किनारे के रामुल्ला फ्रेंड्स स्कूल से फारिगुल तहसील हैं और उनकी उम्र 20 साल के करीब है, जबकि उनमें से 2 अमरीकी शहरी और 1 कानूनी तौर पर अमरीका में मुकीम है। हमले के वक्त 3 तालिब इल्मों ने वेस्टर्न कपड़ों के ऊपर फलस्तीनी रुमाल पहने हुए थे और वो आपस में अरबी जबान में बात कर रहे थे। वाजह रहे कि हमास इसराइल जंग के बाद नफरत की बुनियाद पर अमरीका में एंटी इस्लामिक वाकयात में इजाफा हो गया है, जबकि पुलिस की जानिब से भी खदशा जाहिर किया गया है कि 3 तालिब इल्मों को मुनाफरत की बुनियाद पर ही गोलियों का निशाना बनाया गया था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।